नमस्कार, न्यूज एट में हाजिर है और समय एक और अहम बड़ी खबर आ रही है दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित स्पेशल सीबीआई ने समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्रन पिल्लय और मुथा गौतम को जमानत दे दी है। इनमें से केवल समीर महेंद्रू को ईडी ने अरेस्ट किया है। इसी केस में बाकी किसी को सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर। मुकेश, जरा बताइए, अपडेट दीजिए इस मामले में। देखिए, दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी में जो सीबीआई ने केस दर्ज किया था, उस केस में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्रन पिल्लई और मुथा गौतम, ये सभी आरोपी थे और इनके खिलाफ जो है जांच चल रही थी। हालांकि कुछ दिन पहले सीबीआई ने इस मामले में इनके खिलाफ चार्जशीट पेश की थी, लेकिन चार्जशीट पेश करने से पहले इनमें से किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो बिना गिरफ्तार किए गए चार्जशीट पेश की गई थी। तो चार्जशीट पेश करने के बाद जो कोर्ट का एक तरह से कहें कि प्रोसीजर होता है कि अगर आपके खिलाफ चार्जशीट पेश होती है तो आपको फिर रेगुलर बेल लेनी होती है। तो इन लोगों ने बेल के लिए अप्लाई किया था, जिस पर कोर्ट ने पांचों आरोपियों को बेल दे दी है, जमानत दे दी है। लेकिन जमानत देते हुए कहा कि इनमें से कोई भी आरोपी बिना कोर्ट के परमिशन के देश नहीं छोड़ेगा, ना ही सबूतों के साथ छेड़खानी करेगा, किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और साथ में जब भी जो जांच अधिकारी हैं, जब भी वो जांच के लिए बुलाएंगे तो जांच के लिए हाजिर होना होगा। इस तरह की बातें कोर्ट ने कही और कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके और 1 लाख की सिक्योरिटी पर सभी 5 आरोपियों को अलग अलग बेल दे दी है। और ये एक तरह का कोर्ट का प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है और आपको चार्जशीट पेश होने के बाद किसी भी आरोपी को रेगुलर बेल लेनी होती है। तो इन लोगों ने बेल के लिए अप्लाई किया था, अब 5 आरोपियों को कोर्ट ने बेल दे दी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली शराब नीति मामले में 5 जो और आरोपी इसमें बताए गए थे, उनको जो सीबीआई की कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट जो है, उसने जमानत दे दी है। तो आपको बता दें कि शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। ये फैसला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत ना मिलने के बाद किया। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध बताते वाली याचिका पर दखल देने से इनकार किया है और इसके साथ हवाले मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया। और सूत्रों का कहना यह है कि मनीष सिसोदिया के विभाग 2 मंत्रियों को अब दिए जा रहे हैं, कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद। फिलहाल जो भी इनके 18 विभाग थे, इन दोनों को दिए जाएंगे, बाद में फिर बदल हो सकता है कैबिनेट में, अभी नहीं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया बड़ी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मामला भ्रष्टाचार का है, इस चरण में हम कोई दखल नहीं दे सकते। घटना दिल्ली में हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएं। आप चाहें तो दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके तत्काल बाद मनीष सिसोदिया ने सरकार से इस्तीफे का ऐलान किया। दिल्ली की आप सरकार के उप मुख्यमंत्री होने के अलावा उनके पास 18 विभाग थे। सिसोदिया के साथ ही सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफे का ऐलान किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का प्यार और आशीर्वाद पाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनका काम किसी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए। इस कारण से दोनों मंत्रियों का, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का और सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा लिया गया है, उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन जहां तक इन दोनों मंत्रियों के ऊपर लगे हुए आरोप का सवाल है, ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, फर्जी है और कोई सत्यता इसमें नहीं है, ये बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। और ये भी मालूम हुआ कि वहीं बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि दरअसल ये इस्तीफे पहले ही होने चाहिए थे। सत्येंद्र जैन को इस्तीफा देने के लिए कब से कहा जा रहा था? 8 या 9 महीने से दिल्ली की जनता के ऊपर बिना उनके विभाग के मंत्री के, वो जेल के अंदर थे और जेल में क्या क्या करते थे सबके सामने था। और मनीष सिसोदिया के अंदर अगर थोड़ी भी नैतिकता होती, जिस दिन उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगा, उनको उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था और कहते कि जब तक मैं पाक साफ होके नहीं निकलूंगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन आज भी बहस में क्या कर रहे थे कि हम 18 विभाग संभालते हैं,
तो अगर हम जेल चले जाएंगे तो 18 विभाग कौन संभालेगा? तो भ्रष्टाचार का जवाब नहीं, 18 विभाग चलाने की चाहत अधिक। आज उनका इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन की कोख से निकली पार्टी के लिए ये जितनी कानूनी चुनौती है उससे ज्यादा राजनीतिक चुनौती है। शायद इसी को महसूस करते हुए आम आदमी पार्टी ने इन इस्तीफों का निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट के दखल देने से इनकार के बाद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब वो कानूनी प्रक्रिया के एक लंबे जाल में उलझ गए हैं, यानी CRPC और IPC के जाल से निकलने में अब उन्हें लंबा वक्त लग सकता है। नई दिल्ली से शरद शर्मा और AJ जोसेफ के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। और अभी अभी की एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी दो नए चेहरों को मौका देगी। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने बात की है इस पूरे मामले में सौरभ भारद्वाज से, आइए सुनते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के दो अहम मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे हो गए हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, सवाल ये उठ रहा है कि 9 महीने तक सत्येंद्र जैन जेल में रहे तब इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन मनीष सिसोदिया को CBI ने गिरफ्तार किया तो 2 दिन में दोनों के ही इस्तीफे हो गए, मनीष जी के भी और सत्येंद्र जैन के भी। देखिए, ये बड़ी व्यवहारिक बात है, इसको हर एक आदमी जो सरकार के एक नज़दीकी काम कर रहा है आप जैसे लोग समझ सकते हैं कि जैन साहब को जब झूठे मामले में फंसाया गया तो एक तो पार्टी का हमारा ये मानना था कि जैन साहब को जो है जल्द जो है छुड़ा लिया जाएगा। दूसरा, उप मुख्यमंत्री मौजूद थे जिनको उनके सारे पोर्टफोलियोज दिए गए और उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से वो जिम्मेदारी निभाई, मगर अब जो 18 पोर्टफोलियो वाले हमारे उप मुख्यमंत्री थे उनको भी एक षड्यंत्र में फंसा के जेल में भेजा गया। दिल्ली के आगे G20 भी है, बजट भी पेश करना है, दिल्ली में दिल्ली वालों के काम भी करने हैं, तो एक काम ना रुकें और किसी हालात में एक काम ना रुकें, इसलिए जो है इन दोनों मंत्रियों ने हमारे इस्तीफा दिया है जिसको मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है। 18 विभाग कम नहीं होते हैं, अगर इन दोनों में भी बटेंगे जिसकी बात कही जा रही है कि कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद बटेंगे तब भी बहुत सारे विभाग हो जाएंगे, और क्या दो जो ये पद हैं ये खाली रहेंगे जो कैबिनेट मंत्री के ये पद हैं? देखिए, मेरे को जो जानकारी है पार्टी दो नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल के अंदर जो है मुख्यमंत्री जी लेंगे। अच्छा। और फिर जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कब तक होने की संभावना है, दो नए चेहरे जो आप कह रहे हैं? देखिए, ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है, मगर कोशिश है कि ये हो जाए जल्दी। आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल पाया है मनीष सिसोदिया को, तो क्या हाई कोर्ट जाएंगे या ट्रायल कोर्ट में ही जो है स्ट्रगल करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब हम गए तो हम उनका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारी मेंशनिंग पे हमारे मामले को सुना, समय दिया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि चीफ जस्टिस के बेंच ने ये बात सुनी और उन्होंने एक ठीक बात कही, देखा जाए तो एक रैशनल बात है कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के बीच में ऐसे कई लेवल्स हैं जहाँ पे मनीष सिसोदिया जी का रिलीफ जो है कानूनी तौर पे मांगा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि पहले जो वो लेवल्स हैं आप उन पे रिलीफ मांगिए, हम यहाँ बैठे हैं। उन्होंने ये बात बोली, वी आर हेयर ओनली, कि हम यहाँ बैठे हैं, यानी कि एक तरह से उन्होंने ये भी कहा कि हम सब कुछ देख भी रहे हैं, आप कोशिश कीजिए इन लेवल्स पे आप रिलीफ मांगने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हम तो हैं। तो हाई कोर्ट जाएंगे आप ये कह रहे हैं? देखिए, लीगल स्ट्रेटेजी रहेगी, लोअर कोर्ट में कोशिश करें, हो सकता है हाई कोर्ट में जाएं तो वो कहें कि जी लोअर में ट्राई कीजिए। तो अब जो वकील हैं वो डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के किसान प्याज के उचित दाम नहीं मिलने से नाराज हैं। सोमवार को इन किसानों ने नासिक की लासलगांव मंडी को बंद कर अपना विरोध जताया। लासलगांव एशिया में प्याज की सबसे बड़ी मंडी है। उधर महाराष्ट्र विधानसभा में भी किसानों का ये मुद्दा छाया रहा और विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। मंगलवार सुबह महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्ष विधायकों ने प्याज की माला पहनकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने प्याज उगाने वाले किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलने का मुद्दा विधानसभा और विधान परिषद में उठाया। महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता अजित पवार ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द किसानों को राहत दे। नासिक के कलवण में रहने वाले किसान मोहन जाधव जैसे कई किसान प्याज के उचित दाम नहीं मिलने से परेशान हैं। प्रति क्विंटल प्याज पर इनकी लागत ही करीब 750 रुपए की है,
लेकिन फिलहाल मंडियों में प्रति क्विंटल प्याज के दाम 200 से 500 रुपए हैं। इससे किसान काफी परेशान हैं, उन्हें लागत तक नहीं मिल पा रही है। आज एक एकड़ को 80 से 90 हज़ार तक खर्चा हो रहा है, तो ये इतना खर्चा करके हम क्या करेंगे? कल किसान अभी आत्महत्या ही कर सकता है, उसके बाद में दूसरा कुछ नहीं है। प्याज के गिरते दामों के विरोध में सोमवार के दिन किसानों ने नासिक के लासलगांव मंडी को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल प्याज 3 से 5 रुपए किलो बिक रहे हैं, जबकि किसानों की मांग है कि प्रति किलो प्याज की कीमत 15 से 20 रुपए मिलनी चाहिए। उधर विधानसभा में विपक्ष की ओर से हुए हंगामे के बाद सरकार ने दावा किया कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बरोबर सरकार पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी। प्याज उत्पादक किसानों के साथ सरकार पूरी तरह खड़ी हुई है। नेफेड ने खरीदारी शुरू की है, निर्यात पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। अब तक 238 लाख मैट्रिक टन प्याज खरीदी गई है। जो भी मदद की जरूरत होगी वो की जाएगी। त्याला जी मदत लागते ती मदत सरकार जाहीर करेल। विधानसभा में सरकार और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच हकीकत यही है कि किसान परेशान हैं। दरअसल बढ़ती गर्मी के कारण भी जो प्याज की उपज है उसके खराब होने की संभावना बढ़ गई है, और इसलिए भी किसान अपनी फसल को जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं। सरकार की ओर से जहां दावा किया जा रहा है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जाएगी, तो वहीं सवाल यह है कि जो किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या उन तक यह मदद वाकई में पहुंच पाएगी? नासिक से किशोर बेलसरे और मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। अवंतीपोरा मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था मारा गया आतंकी। देर रात आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू हुई थी। सुरक्षा बल ने की मुश्ताक भट्ट और उसके एक साथी को मार गिराया। कश्मीरी पंडित की लक्षित हत्या के 2 दिन बाद इस हमले के पीछे बताए जा रहे आतंकी को एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। पुलिस के मुताबिक आकिब मुश्ताक भट्ट TRF का कमांडर था। भट्ट के साथ उसका साथी भी मारा गया। पुलवामा जिले के पदगम बोरा गांव में 12 घंटे चले आतंकवाद विरोधी अभियान में ये कामयाबी मिली। इस कार्रवाई में सेना के एक जवान की भी मौत हो गई। सर्चेस के दौरान जो है एक टेररिस्ट जो है वो हमें होल्ड अप मिला एक मॉस्क में। वहां पे हमने जो है काफी एहतियात बरता, और इस दौरान जो हमारे ब्रेव और करेजस जो एक जवान है वो पहले ही एक्सचेंज ऑफ फायर में जो है वो इंजर्ड हो गए ग्रीवियसली, और बाद में वो शहीद भी हुए। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में पहले ही एक टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके बाद जो है सर्चेज और चली और दूसरे टेररिस्ट को भी ढूंढ निकाला गया और उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। रविवार को आतंकियों ने संजय कुमार शर्मा को पुलवामा के अचान गांव में मार डाला था। इसके बाद वहां स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। यहां के मुस्लिम पंडित परिवार के साथ खड़े हैं और कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे की मांग कर रहे हैं। पुलवामा में टारगेट किलिंग के सिर्फ 2 दिन बाद पुलिस का कहना है कि जो आतंकी टारगेट हमले में मुलव्वस था उससे आज इनकाउंटर में मार दिया गया है। लेकिन पीड़ित परिवार के लिए इनकाउंटर कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। पुलवामा के अच्छन गांव में सिर्फ एक ही पंडित परिवार रहता है और वो कहता है कि वो इस हमले के बाद वहां शायद नहीं रह सकता है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।